the home run ball. आज का मैच बहुत ही खास है, देखो कितने लोग जमा हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि चैंपियन बनने के लिए जायंट्स टीम को आज का मैच जीतना जरूरी है। चिंता मत करो, जायंट्स के पास ढेर सारे होम रन लेने के लिए हारा है ना। अरे तुम दस्ताने पहन कर आए हो? मैं हारा की एक बॉल जरूर कैच करूंगा। तुम नहीं कर सकते। अच्छा तो तुम लोग भी यहाँ आए हो? तुम यहाँ की बॉल कैच करोगे? तुम तो हमारे खेल में भी बॉल कैच नहीं कर पाते। वैसे भी हारा की बॉल को तो मैं ही कैच करूँगा। जब तक ये लोग हैं तुम तो अपने बारे में भूल ही जाओ मित्सुओ। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है, मैं भी आज तुम सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मुझे मत बुलाना, मैं बिजी हूँ, तो क्यों बुलाया? बक बक बंद करो, तुम्हारे हीरो हारा का हो गया है। जरा तुम बाहर तो आओ। ठीक है अभी आता हूँ। हारा का पाल भी बाका नहीं होने देंगे। अभी आया। अच्छा रोबोट, अब तुम वापस जाकर पापा के साथ मैच देखो, ठीक है? और साथ में ये भी ले जाओ, ठीक है? हिया! अरे मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ, सब कुछ खुलकर बताना। हाँ, ये तभी की घटना है जब हारा पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, और फिर क्या हुआ पता है? कुछ बदमाश लेकर आए, लेकिन पहले उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे उनके फैन हो, फिर अचानक उन्हें अपनी कार में बिठाया और वो उन्हें लेकर गए। और फिर क्या हुआ? जब पुलिस को यह खबर मिली तो उन्होंने पीछा किया, लेकिन वो कहीं गायब हो गए। अब पुलिस ने इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, क्या उन कुछ जानकारी मिल पाई है? इतना ही पता चला कि वो सब ओसाका के रहने वाले थे। ठीक है, हम सब अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। ठीक है। जरा सुनिए तो, क्या आपने बदमाश दिखने वाले चार लोगों को एक कार में घूमते देखा है? नहीं। क्या यहाँ से कोई गाड़ी तेजी से गई? मुझे नहीं पता। तीसरी पारी समाप्त हो चुकी है और जैग्वार की टीम एक पॉइंट से जीत रही है। आज का दिन जैग्वार के लिए भाग्यशाली रहा, जबकि जायंट्स की टीम में कुछ परेशानियाँ आ रही। हारा के बिना ये किसी भी हाल में नहीं जीतने वाले पापा। फिक्र मत करो, वो जरूर आएगा। अब मैं क्या करूँ? जल्दी से उसे नहीं ढूंढा तो मुश्किल में फंस जाएंगे। एक और आदमी से पूछ लेता हूँ। अरे कोई आ रहा है। अरे सुनो भाई, मैं रेडियो ले आया हूँ। अरे ये इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है, मुझे देखना ही पड़ेगा। ये तो कमाल हो गया, क्या शॉट मारा है। आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों किया? क्या तुम्हें मुझसे पैसा चाहिए? नहीं, हम इतने लालची भी नहीं हैं। तो फिर बताओ मुझे क्यों किया? वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि जैगवार्स की जीत हो। आई कुछ समझ में बात? हा? और वो तभी हो सकता है जब तुम खेल से बाहर हो। मैच खत्म होते ही हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो मतलब यही हारा के पाकू, मैंने हारा और उसके को पता लगा लिया है। पुलिस को बुला लो फौरन। अगर जैगवार्स जीत भी जाए तो ये जीत असली नहीं होगी, इसमें तुमने बेईमानी की है, समझे कुछ बेईमान? कैसे लोग हैं ये? आखिर हारा ने इनका क्या बिगाड़ा है? वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? खतरनाक है, और पता है उसके पास भी है। तो तुम्हें क्या लगता है, परमैन किसी से कम है क्या? सुनो, तुम लोग अब फंस चुके हो। अरे ये बच्चा कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? परमैन, यानी न्याय का रक्षक। परमैन, ये कौन है भला? इसका नाम तो कभी नहीं सुना, लेकिन मैं पाया को जानता हूँ। मैंने पुलिस को भी खबर कर दी है और हारा के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तुम लोग नहीं भाग सकते। छोटे हो पर इतने शैतान, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ, ये क्या? हाँ तो अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा था ना ये खतरनाक है, वो भी चला सकता है। अब अगर इन दोनों के बदले इन्होंने फिरौती मांगी तो हम क्या करेंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम्हें क्या लगता है, ये लोग मुझे बांध सकते हैं? कभी नहीं। ये कोई रस्सी नहीं बल्कि स्टील की चेन है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे तोड़ नहीं सकता? बिल्कुल नहीं, ये बेहद मजबूत चेन है।
इतनी नाजुक चेन मजबूत क्यों नहीं लाई? ये बच्चा है कि जादूगर है? चलो अब हमें ही कुछ करना होगा। जानते हो ना क्या करना है? और फिर से बहुत ही तेज शॉट मारा है, दो होम रन तो जरूर मिलेंगे और अब जायंट सिर्फ एक रन है। देखा तुम लोगों ने, सिर्फ एक रन से पीछे। चुप रहो। कितनी बढ़िया पिच है। मैंने कहा था ना तुमसे, जायंट्स की जीत को कोई नहीं रोक सकता, वो मेरे बिना भी जीत सकते हैं। बकवास बंद करो, हम किसी भी तरह जैगवार्स को जिता कर ही दम लेंगे और उसके बाद हम ओसाका के हीरो बन जाएंगे। इन पलों का तो हम बरसों से इंतजार कर रहे थे, हम ये करके दिखाएंगे। कई बार तो फैन भी काफी खतरनाक साबित हो जाते हैं। हिम्मत रखो बूबी मेरे दोस्त। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं आ गई, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। चलो जैसे यहाँ से भाग चलो। अब ये क्या? ठीक है अभी बताता हूँ तुम्हें, तुम यही रुको मैं अभी आता हूँ। ये वही जगह है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई। कोशिश लगातार जारी है लेकिन जायंट सभी भी सिर्फ एक रन से पीछे चल रहे हैं। सिर्फ एक बढ़िया शॉट और एक होम रन इस टीम को जिता सकता है। मैनेजर ने अभी अभी खबर दी है कि हारा को बुला लिया गया है और ये देखिए हारा आ गया। हम जानते हैं आज हारा को कर लिया गया था और उनके बाएं हाथ में जबरदस्त चोट भी लगी थी लेकिन उन्हें परमैन ने बचा लिया है। अरे परमैन अभी तक जिंदा है और हारा की रक्षा करने के लिए परमैन अभी भी यहाँ मौजूद है। तुमने उसे जो गोली मारी थी वो उसके बैच पर जाकर लगी थी, वो इसलिए बच गया। हम गए काम से। हारा अब अपने एक हाथ के सहारे मैच खेलेंगे और ये आई तीसरी बॉल। मारो हारा मारो, शाबाश। और ये बॉल उनकी तरफ आने वाली और वो तैयार। हारा ने बैट उठाया और शॉट मार दिया। हारा ने ये कमाल एक हाथ से करके दिखाया है, बॉल दूर जा रही है और दूर, ये लेंगे होम रन मिल गया और आज का हीरो हारा। शुक्रिया परमैन, शुक्रिया। और ये पकड़ ली। अरे नहीं मित्सुओ, तुम किसी काम की नहीं हो। इसने सब गड़बड़ कर दी, वरना मैं पकड़ ही लेता। लेकिन वो तो तुम्हें जैसा है ना, यानी अगर तुम होते तो तुम भी चूक जाते परमैन। ऐसा मत कहो।
Thank you.